YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू क्या हो सकता है कल के लिए और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसपे आप कल ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो मार्केट हमारा आज गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद साइडवेज हो गया। यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत बुलिश भी था निफ्टी, लेकिन यहाँ पर कुछ खास मोमेंटम हमें देखने नहीं मिला। देखिए ये जो लेवल्स है यहाँ पर एक रेंज है और देखिए इस रेंज को मैंने ड्रॉ किया है। जब तक इस रेंज से हम ऊपर नहीं निकल जाते तब तक हमें मार्केट में तेजी नहीं दिखेगा और खास करके और जब तक हम इसको ब्रेक नहीं कर देते हैं इसको नीचे की ओर, तब तक हमें डाउन बार मोमेंटम भी कोई बड़ा मोमेंटम देखने नहीं मिलेगा। तो ये रेंज है देखिए जिसमें बार बार यहाँ पर जो निफ्टी है आता है, साइडवेज हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं पहले भी साइडवेज हुआ है तो और पीछे चलेंगे तो और देखिए और देखने मिलेगा आपको। तो ये लेवल्स है जिसमें निफ्टी जो है बार बार आकर के अटक जाता है। तो यहाँ पर हम इंतजार करेंगे कि निफ्टी जो है ऊपर के लेवल को ब्रेक करे। ऊपर के लेवल को ब्रेक करने पर हमें एक मोमेंटम आ सकता है या तो नीचे के लेवल को ब्रेक करें। जब तक इस लेवल में है तो हमें कुछ खास बड़ा मोमेंटम जो है देखने नहीं मिलेगा। इसी तरह से निफ्टी भी जो है एक रेंज बना रखा। देखिए यहाँ पर एक साइडवेज रेंज था तो हमें कुछ खास मोमेंटम यहाँ पर ही मिल रहा था। फिर यहाँ देखिए ये जो लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है, फिर इसके नीचे जो यहाँ पर भी ओपन तो हुआ लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, मतलब इसी रेंज में बार बार आ जा रहा है। देखिए कितना ट्रेडिंग सेशन हो चुका है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ट्रेडिंग डेज से इसी रेंज में है। और उससे पहले देखिए यहाँ पर 7 ट्रेडिंग डेज से इसी रेंज में था, इस रेंज को ब्रेक किया तो फिर हमें एक दिन जो यहाँ पर मोमेंटम नीचे की ओर देखने मिला, नहीं तो मार्केट यहाँ पर पूरी तरह से साइडवेज है। तो हम इंतजार करेंगे इस रेंज को ब्रेक करे, ऊपर की ओर ब्रेक करे तो हम यहाँ पर बुलिश व्यू लेंगे। अगर नीचे ब्रेक करता है इस रेंज को तो फिर हम बियरिश भी होंगे, मतलब हम बियरिश ट्रेड लेंगे यहाँ पर। तो किस और इस ये रेंज को ब्रेक करता है उस पर हमारा ध्यान रहेगा। अगर ऊपर ब्रेक करता है तो बुलिश हो जाएंगे, नीचे ब्रेक करता है तो फिर हम बियरिश हो जाएंगे। तो ये देखिए डेली चार्ट पर हमारा व्यू था कि जब तक रेंज को ब्रेक नहीं करता है ऊपर या नीचे को निफ्टी और बैंक तब तक हम बुलिश या बियरिश नहीं होंगे। अब हम बात कर लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गैप अप हम ओपन हुए, गैप अप ओपन होने के बाद साइडवेज हो गया और फिर जाके अंत में जो लास्ट हाफ आवर्स था उसमें ये एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है। तो लास्ट में हम बुलिश थे तो अब जो है ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट देखना पड़ेगा, न्यूज सारी चीज़ें जो इन्वॉल्व होगा उसके अनुसार ओपनिंग होगा कल का। मतलब जितना भी घटनाएं घटित होगा अभी, जैसे ग्लोबल मार्केट किस तरह परफॉर्म कर रहा है, साथ साथ क्या न्यूज़ है, उसके अनुसार जो सेंटिमेंट होगा मार्केट का उसके अनुसार ओपनिंग होगा। जैसे यहाँ पर देखिए आप गैप अप ओपन हुआ क्योंकि ग्लोबल मार्केट जो खास करके यूएस मार्केट वो पॉजिटिव क्लोज हुआ था, इसलिए हम यहाँ पर गैप अप ओपन हुए। तो अलग अलग जो न्यूज होता है उसके बेस्ड पर साथ साथ ग्लोबल जो मार्केट का सीन है उसके अनुसार हमारा ओपनिंग होता है। तो कल का ओपनिंग देखना होगा किस तरह से होता है। अगर ऊपर ओपन नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर बुलिश हो सकते हैं। साथ साथ जो रेंज मैंने आपको बताया अगर वो रेंज ब्रेक होता है तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर निफ्टी जो एक जबरदस्त मोमेंटम दिखा सकता है। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से आप ट्रेड कर सकते थे, जैसे यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद जैसे आपको यहाँ पर रेड कैंडल दिखता है तो आप यहाँ पर कॉल सेल कर सकते थे। फिर यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर ये नीचे आया, नीचे के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना। देखिए यह मॉर्निंग स्टार पैटर्न है तो जैसे यहाँ पर ये आया तो आप यहाँ नीचे के पी को भी सेल कर सकते थे और एक घंटा पहले आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। देखिए 2:30 बजे के बाद जो है कोई भी मोमेंटम किसी भी साइड एक फास्ट मोमेंटम हो सकता है, अगर आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं किया 2:30 बजे तक में तो ये कैंडल जो है आपके सारे प्रॉफिट को खा जाएगा। तो ये इस तरह का सिनेरियो था आज का। जब ये साइडवेज हो तो आप ऊपर के कॉल को और नीचे के पुट दोनों को सेल कर सकते थे। पिछले दिन भी देखिए यहाँ पर साइडवेज थोड़ा सा साइडवेज और थोड़ा सा डाउन देखने मिला, आज तो पूरी तरह से साइडवेज था मार्केट। तो इस तरह के साइडवेज मार्केट में हम ऊपर के कॉल और नीचे के पुट दोनों को सेल कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन बायर को प्रॉफिट तब मिलेगा जब एक ट्रेंडिंग मार्केट होगा, या तो ऊपर की ओर मार्केट ट्रेंडिंग हो या तो नीचे की ओर ट्रेंडिंग मार्केट हो, तब जाकर के हमें ऑप्शन बाइंग में यहाँ पर प्रॉफिट देखने मिल सकता है। उसके बाद अगला है बैंक निफ्टी। देखिए 50 मिनट के चार्ट पर बात करें तो बैंक निफ्टी यहाँ पर जबरदस्त एक, अगर देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाया है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर हमें
एक मोमेंटम देखने मिल सकता है। ऐसे निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग था, लेकिन देखिए बैंक निफ्टी अभी भी वीक है, अपने डे के हाई को ऊपर क्लोज नहीं दे पाया, जबकि निफ्टी हमारा डे के हाई के ऊपर क्लोज दिया है। तो यहाँ पर जो बैंक निफ्टी है वो थोड़ा सा एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, अगर यहाँ पर मिला है तो देखिए एक चैनल बनेगा, इस चैनल में फंसा हुआ है, इस चैनल को ऊपर और ब्रेक करता है थोड़ा मोमेंटम हमें मिल सकता है, जो कि ये आज का जो हाई है वहाँ तक जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन या गैप अप हो गया तो फिर उसके अनुसार हम ट्रेड करेंगे, यहाँ पर जो हम एनालिसिस करें उसके अनुसार फिर ट्रेड हम नहीं कर पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन या गैप अप ओपन होने पर कि ये जो रेड कैंडल बना तो ये एक बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल है, तो बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल है तो यहाँ पर आप जो इस रेड कैंडल पर सेल कर सकते थे कॉल को और अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट मिलता। तो इसके अलावा कोई भी बैंक निफ्टी में अच्छा खासा ट्रेड नहीं मिला, तो यही एक था जो कि ट्रेड आप यहाँ पर ले सकते थे। अदरवाइज मार्केट देखिए मतलब साइडवेज था, ऊपर भी गया नीचे भी गया, दोनों साइड का मोमेंटम थोड़ा थोड़ा मिला, कोई वन डायरेक्शनल मोमेंटम यहाँ पर देखने नहीं मिला। तो आप चाहे तो यहाँ पर कॉल ऊपर के सेल कर सकते थे, और जैसे मार्केट नीचे आया यहाँ से देखिए ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना के ऊपर गया, तो आप नीचे के यहाँ पर पुट सेल कर सकते थे, तो दोनों तरफ आप सेलिंग कर सकते थे क्योंकि आज का मार्केट पूरी तरह से साइडवेज था। तो मार्केट हमें ट्रेंडिंग तभी मिलेगा जब ये रेंज को ब्रेक करता है, जो कि रेंज मैंने आपको बताया है, तो इस रेंज को ध्यान रखना है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में। जब ये ऊपर की ओर ब्रेक करेगा तो ऊपर साइड के मोमेंटम हमें मिलेगा, नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे का मोमेंटम हमें मिलेगा। तो किस ओर ये रेंज को ब्रेक करता है वो हमें देखना पड़ेगा, जिस ओर के रेंज को ब्रेक करता है उस साइड के मोमेंटम हम यहाँ पर कैच करने की कोशिश करेंगे। अब बात कर लेते हैं कौन से स्टॉक्स में आप कल ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अरविंदो फार्मा है, अरविंदो फार्मा जब ये इस लेवल को ये ब्रेक करेगा जो कि है 632 के लेवल को ब्रेक करता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका यहाँ पर होना चाहिए 1% का, 1% का ही आप स्टॉप लॉस रखें 1:1। फिर यहाँ पर दूसरा जो स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करना है 1:2 के टारगेट के लिए, तो काफी बेहतरीन यहाँ रिस्क टू रिवार्ड के लिए आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। फिर दूसरा स्टॉक जिसको आप सेल करते हैं, सेल तभी करना है जब मार्केट का सेंटिमेंट निगेटिव हो। देखिए ऑलरेडी स्टॉक्स काफी ज्यादा बेयरिश है, तो मार्केट का सेंटिमेंट अगर निगेटिव होता है निश्चित रूप से स्टॉक्स यहाँ पर अच्छा खासा गिरावट दिखाएगा। ये स्टॉक थोड़ा बड़े प्राइस का है तो इसमें क्वांटिटी कम लेना है, यहाँ क्योंकि स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा होगा। अब यहाँ पर देखिए अगर ये इस लेवल को से नीचे ट्रेड करता है, आज का जो लो है उसको ब्रेक करता है जो कि है 9290 का, उस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर आप इसको सेल करेंगे। यहाँ पर 1:1 का रिवार्ड रेशियो या 1:2 का रखना है। तो ये भी स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा बेरिश है, तो जब मार्केट बेरिश होगा तो इसको हम सेल करेंगे। वही जो बाइंग वाले स्टॉक्स है, देखिए टाइटन काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर हमें बुलिश कैंडल देखने मिला है, तो यहाँ पर आप इसको सेल कर सकते हैं। अगर ये आज के क्लोजिंग के ऊपर निकलता है, मतलब 2550 के ऊपर निकले, तो आप इसको बाय कर सकते हैं विथ 1:1 रिवार्ड रेशियो या 1:2 का रखना है विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। फिर जो अगला स्टॉक है जिसको आप बाय कर सकते हैं अगर मार्केट बुलिश रहता है, तो वो है बजाज ऑटो। काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक्स है, यहाँ पर देखिए अगर ये 3900 रुपये के ऊपर निकलता है तो आप इसको बाय कीजिए विथ 1:1 रिस्क रिवार्ड रेशियो या 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो के लिए। ये सारे बेहतरीन स्टॉक्स हैं, ये प्रॉपर लेवल के साथ प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही आपको इसमें ट्रेड करना है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह के एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।